फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों पर गाज गिरना लगभग तय है। पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों को पूरी जानकारी देने का आदेश राज्य सरकार को दिया कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षकों पर दर्ज प्राथमिकी पर क्या कार्रवाई की गई है। अभी तक ऐसे कितने शिक्षक पकड़े गए और उन पर किस तरह की कार्रवाई की गई है। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम गया में होने जा रहा है। गांधी मैदान में सीएम लोगों को संबोधित करेंगे और कई योजनाओं पर उद्घाटन व शिलान्यास भी होगा। श्री वर्णवाल ने लोगों से अधिक संख्या में पेड़ लगाने और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की। 29 को मुख्यमंत्री लाखों की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को चुनाव आयोग से झटका लगा है। आयोग ने कहा है कि उसने आदेश दिया है कि झारखंड और महाराष्ट्र में अब आरक्षित प्रतीक तीर का इस्तेमाल करने की जदयू को इजाज़त नहीं दी जाएगी। बता दें, इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा में 24 जून 2019 को चुनाव आयोग से शिकायत की थी। सीतामढ़ी जिले के सुप्पी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक ही परिवार के 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। मृतकों को एक महिला और 2 पुरुष शामिल है। फिलहाल पुलिस हत्या का कारण आपसी विवाद बता रही है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि शुरुआती जाँच में हत्या के पीछे आपसी विवाद की आशंका व्यक्त की जा रही है। बिहार के किशनगंज जिले में सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों ने आर्ची बहाली की शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित हुए 16 फर्जी अभ्यर्थियों को सोमवार को गिरफ्तार किया। बता दें कि फर्जी अभ्यर्थियों का शिकंजा कसे जाने के बाद हड़कंप मच गया। SSB द्वारा ली जा रही परीक्षा में बायोमेट्रिक जाँच के दौरान फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पर होने पर यह फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। 100 मीटर की दूरी 11 सेकंड में पूरी कर लेते हैं। इसके बाद बिहार के एक मधुबनी जिले के एक युवा चंदन कुमार झा का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि यह युवक भी 11 सेकंड में कम वक्त में 100 मीटर की दौड़ लगा लेता है। प्रशासन का कहना है कि वह इस मामले की जांच करवाएगा और यह सही पाया जाता है तो चंदन को पूरी मदद दी जाएगी। राज्य के सभी शहरों के लोगों को अब पानी के बदले पैसे देना होगा। यह रकम उनके घर के क्षेत्रफल के आधार पर तय होगी। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2019 का मसौदा तैयार किया है। कैबिनेट की मुहर लगते हुए घरेलू उपभोक्ताओं ने हर माह 30 से लेकर 125 रुपए तक वसूले जाएंगे, कोई मीटर नहीं लगेगा। बांका के अमरपुर के प्रसन्नोत्तर मध्य विद्यालय कुल्हड़िया के प्रधानाचार्य पप्पू हरिजन 2019 में पूरे बिहार में राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले इकलौते शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं। यह उपलब्धि पाने वाले प्रधानाचार्य पप्पू हरिजन भागलपुर जिले के पर्वती के रहने वाले हैं। जिला अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने उन्हें सम्मानित भी किया था। बिहार में पहली बार 4 वर्षीय BAD कोर्स में दाखिल के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 अगस्त से शुरू होगी। परीक्षा 15 सितंबर को होगी, रिजल्ट 20 सितंबर को घोषित किया जाएगा। 23 सितंबर को काउंसलिंग शुरू होगी। दाखिला में प्रक्रिया 27 सितंबर तक पूरी कर लेनी है। नए सत्र की शुरुआत 30 सितंबर को होगी। आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पर जाएं। कोसी क्षेत्र की लाइफलाइन NH 106 और NH 107 बदहाली के खिलाफ और उसके निर्माण की मांग को लेकर सहरसा और मधेपुर में बंद का व्यापक असर रहा। बिना किसी राजनीतिक पार्टी के झंडा बनाने में आम लोग सुबह से ही सड़क पर उतर गए। मधेपुर में बंद के समर्थन में मधेपुर समेत सिंहेश्वर, मुरलीगंज, उदाकी, सोनगंज, पुरैनी, चौसा समेत अन्य प्रखंडों में लोगों ने अपनी दुकान बंद रखी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी है उसे ज़रूर दबा दीजिए।